फिरौन की लाश का चमत्कार। क्या अल्लाह ने फिरौन की लाश को आज तक सलामत रखा है ताकि यह दुनिया भर के लिए एक निशानी बन जाए? अक्सर मोमिन फिरौन की लाश को उठाकर सबके सामने पेश करते और उसे अल्लाह ताला का चमत्कार बोलते। तो आज के इस एपिसोड में हम फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम करेंगे और अल्लाह ताला का चमत्कार भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। यहाँ मेरा मकसद किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस देना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सच्चाई आपके तक रखना। कुछ मुस्लिम भाई मुझे कमेंट करते, तुम क्या चीज हो, इस्लाम को मिटाने के लिए बड़े बड़े फिरौन आए लेकिन चले गए, उनके लाशों को अल्लाह ताला ने बचा कर रखी है ताकि मेरे जैसे लोग सबक सीख सके। मोमिनों की विज्ञान से दुश्मनी तो जग जाहिर है, साथ ही इन्हें इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। मिस्र के बादशाहों को फैरो कहा जाता था, जिसे अरबी में फिरौन कहा जाता है। आखिरी फिरौन 2050 साल पहले हुआ था। उसके 650 सालों बाद इस्लाम आया, तो फिर वे कौन से फिरौन थे जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे? अब कुछ मोमिन कहेंगे कि हजरत आदम पहला नबी था, वहीं से इस्लाम शुरू हुआ। एडम और ईव की कहानी यहूदी और ईसाई धर्म की कहानी थी। दूसरे धर्मों की कहानियों पर जनाब मोहम्मद साहब ने इस्लाम की मुहर लगाई थी। वही मुहर मोमिनों के दिल दिमाग पर भी लगी है। दीन यानी धर्म के मामले में मोमिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जो बात मुल्ले मौलवी बोल देते हैं, वही बात मोमिनों के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है। मोमिनों का दीन में अकल का दखल गुना है। आइए अब फिरौन की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, शायद आपको अकल आ जाए या फिर शायद अल्लाह का करिश्मा दिख जाए। यहूदी और ईसाइयत के किताबों में मूसा की कहानी मिलती है, जिसके खुदा यहोवा है, और हमारे प्यारे मोहम्मद साहब उन्हीं के कहानियों में से यहोवा को हटाकर उनकी जगह अपने अल्लाह ताला को फिट कर देते हैं। कुरान के 114 सूरा में 34 सूरा में मूसा की कहानी मिलती है। कुरान में मूसा का नाम 130 बार से ज्यादा सुनने को मिलती है, और इसके साथ ही फिरौन का नाम दर्जनों बार मिलता है। मूसा कौन था? दुनिया भर के इतिहासकारों ने बहुत खोजा कि आखिर मूसा कौन है, लेकिन उन्हें मूसा नहीं मिला। मूसा का जो टाइम पीरियड माना जाता है, उस टाइम के इतिहास में मूसा नहीं मिलता। अब इतिहासकार भी इस बात से सहमत है कि मूसा एक फर्जी कहानी का फर्जी किरदार है। मूसा के कहानी के अनुसार मूसा का खुदा यहोवा था। यहोवा ने मूसा के जरिए जो 10 संदेश दिए, वही यहूदियों की आइडियोलॉजी बने। अगर करोड़ों लोग किसी कहानी को सच मानते हो, तो उनके मानने से वो कहानी सच नहीं हो जाती। कुरान में भी ऐसी फर्जी कहानियां और बातें लिखी हैं, फिर भी मोमिन कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। कुरान के अनुसार फिरौन एक जालिम राजा था, जो खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ने उसे समझाने के लिए जिब्राइल को भेजा, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कुरान सूरह अल अराफ आयत नंबर 133, इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उन पर तूफान, टिड्डियां, जुए और मेढक और साथ ही खून का अजाब भेजा था। ये हमारी निशानियां थी, लेकिन वे गरूर ही करते रहे। वे मुजरिम लोग थे। फिरौन मूसा को मारना चाहता था। जब फिरौन मूसा का पीछा कर रहा था, तो मूसा के सामने समुद्र आ गया। जिब्राइल के कहने पर मूसा ने अपनी छड़ी से समुद्र के दो हिस्से किए और बीच से निकल गया। जब फिरौन उसी रास्ते मूसा के पीछे जा रहा था, तो समुद्र का पानी अपनी जगह वापस आ गया। डूबने से पहले फिरौन ने अल्लाह के आगे तौबा किया और मुस्लिम बनना चाहा, लेकिन कलमा पूरा होने से पहले जिब्राइल ने उसके मुंह में कीचड़ भर दिया और फिरौन मुस्लिम बने बगैर ही डूबकर मर गया। सूरह यूनुस आयत 90। इस आयत में ला इलाह इल्लल्लाह मतलब कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, और मैं मुस्लिम हो गया, इस आयत में करीब 3300 साल पहले की बात कही गई है। फिर भी फिरौन को अरबी भाषा में कलमा पढ़ाया जा रहा है और मुस्लिम बनाया जा रहा, जबकि अरबी भाषा को वजूद में आए 2000 साल भी नहीं हुए। मुसलमान शब्द 1400 साल पहले वजूद में आया। कुरान सूरा
10 आयत 92, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। और इसी आयत के साथ फिरौन की फोटो लगाकर मोमिन भाई सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं और मोमिन इसी को अल्लाह ताला का चमत्कार मानते रहते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं है, जो कि राजा का टाइटल था। मिस्र में 3000 सालों में सैकड़ों फिरौन हुए। और यहाँ अल्लाह ताला आखिर किस फिरौन की बात कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ को यहाँ पर क्लियर नहीं है। खैर, यहाँ अल्लाह मियाँ का दोस्त नहीं है, बल्कि जितना ज्ञान हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब को थी, ठीक उतनी ही जानकारी अल्लाह मियाँ को भी थी। मिस्र में अब तक 10 लाख से ज्यादा ममी मिल चुकी हैं, उनमें दर्जनों फिरौन की ममी है। मिस्रवासी अपने कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों के भी ममी बनाते थे, उनके भी ममी मिले हैं। क्या उनके लाशों को भी अल्लाह मियाँ ने बचा कर रखा है? मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि मरने के बाद नई दुनिया के लिए मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, तब रूह अपना जिस्म तलाश करेगी और चेहरा देखकर अपने जिस्म में दाखिल होगी। मौत के बाद मृत शरीर से दिल को छोड़कर सारे अंग निकाल लिए जाते थे। फिर 70 दिनों तक मृत शरीर को सूखने और उसे फंगस और बैक्टीरिया से बचाए रखने का प्रोसेस चलता था। इस प्रोसेस में नमक, रेत, लोशन, ऑयल, शराब, मसाले, जड़ी बूटी आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद शरीर पर कपड़े को लपेटकर ताबूत में रखा जाता था। मोमिन जिस फिरौन की लाश उठाए घूमते हैं, उसका नाम फिरौन रामेसिस सेकंड है। यहूदी धर्म के किताबों के अनुसार मूसा इसी फिरौन के समय था, जो कि मिस्र का बहुत बड़ा बादशाह था। उसने 66 साल राज किया, बहुत सारे जंगे भी लड़ी और सभी में जीत भी हासिल की। तब इजराइल का इलाका भी मिस्र के कब्जे में था। रामसेस सेकंड समुद्र में डूबकर नहीं मरा, उसकी 90 वर्ष की उम्र में मौत हुई। रिसर्च से हमें पता चलता है कि जिंदगी के आखिरी सालों में गठिया के कारण वो कुबड़ा हो गया था, शरीर की नसें सख्त हो चली थी और मसूड़ों में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। क्या 90 साल का बीमार, कुबड़ा, कमजोर, बूढ़ा समुद्र में मूसा का पीछा करेगा? असल में वो 90 वर्ष की उम्र में प्राकृतिक मौत मरा था और उसकी भी ममी बनाकर वैली ऑफ किंग में दफनाई गई थी, जिसमें 11वीं सदी बीसी से 16वीं सदी बीसी के बीच दर्जनों फिरौन दफन किए गए। फिर 18वीं सदी में मकबरों की खुदाई शुरू हुई। रामेसिस सेकंड ममी को 1881 में खोजा गया और तब से यह मिस्र के म्यूजियम में रखी है। मोमिन भाई, थोड़ी विज्ञान और इतिहास भी पढ़ लिया करो, इनसे ज्ञान और समझ बढ़ जाती है। सिर्फ दीनी पढ़ाई पढ़ोगे तो बेइल्मी और ना समझी ही बढ़ेगी। इजराइल बनने से पहले इजराइल के इलाकों में मिस्र के फिरौन राज किया करते थे। वहाँ जो भी जंगे और घटनाएं उस वक्त हो रही थी, वो सब कुछ लिखा जा रहा था। उस तारीख में कहीं भी मूसा का नाम जिक्र नहीं मिलता। यहूदी किताबें आज से 2100 से 2450 साल पहले लिखी गई थी और इसी दौरान कई नबी और कई कहानियां रचे गए। तो मोमिनों ने फिरौन रामसेस सेकंड को कुरान वाला फिरौन कैसे मान लिया? यहाँ रोल शुरू होता है डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। डॉक्टर मॉरिस फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वे मिस्र के शाही परिवार का ट्रीटमेंट करते थे और सऊदी अरब के किंग फैसल अली के निजी डॉक्टर थे। डॉक्टर मॉरिस ने फिरौन रामसेस सेकंड की ममी देखी, जो कि खराब हो रही थी, तो उन्होंने फ्रांस सरकार से ममी का ट्रीटमेंट करने की अपील की। 1976 में फिरौन रामसेस सेकंड की ममी को फ्रांस लाया गया। इसके ममी पर कई तरह के फंगस और बैक्टीरिया पाए गए, जो बॉडी को खा रहे थे। फिर फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करके बॉडी को बचाया गया। सऊदी अरब किंग फैसल अली के कहने पर डॉक्टर मॉरिस ने फ्रेंच में कुरान पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। इस स्पॉन्सर किताब में डॉक्टर मॉरिस ने कुरान को साइंटिफिक कहा और वहीं बाइबल को अनसाइंटिफिक कहा, जबकि आधी कुरान बाइबल की ही नकल है। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को बचाने का उल्लेख मिलता है, फिरौन रामसेस सेकंड वही फिरौन है। इस बात के सबूत में कहा कि
लाश में नमक मिली है, इसकी मौत समुद्र में डूबकर हुई होगी। असल में ऐसी बातें डॉक्टर मोरिस नहीं बल्कि सऊदी अरब का पैसा बोल रहा था। मिस्र में जो लाखों मम्मी मिली हैं, सबके शरीर में नमक मिलता है क्योंकि लाशों को 40 दिनों तक नमक में दबाकर सुखाया जाता था, इस कारण उसमें बैक्टीरिया नहीं लगता था। इस किताब को सऊदी सरकार ने अपने खर्च से पब्लिश किया और इस किताब को पूरे यूरोप में मुफ्त में बांटा गया, लेकिन इस किताब की वैज्ञानिकों ने काफी निंदा की थी। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि जिस फिरौन की लाश को बचाने का दावा अल्लाह ताला करते हैं, उस जिस्म को विज्ञान ने ही बचाया। लाश बचाने की जो जानकारी मिस्र वासियों को थी, इसको भी एक विज्ञान ही कहते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि आखिर यह करिश्मा कुरान में ही क्यों रखा गया। दरअसल हमारे मोहम्मद साहब ने कहीं से सुना होगा कि फिरौन की लाशें कभी खराब नहीं होती, तो बस फिर क्या था, अल्लाह ताला के नाम से दावा ठोक दिए। तो अब फिर कोई अगर फिरौन की लाश को उठाकर आपके पास आए तो उसे आप मेरी वीडियो जरूर दिखाना और साथ में आप कमेंट भी करना कि कैसा लगा फिरौन का पोस्टमार्टम। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।